कैसा है? करता क्या है? सुनो ने अपना उनको मैं नाई कहते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट, ये कैसा है? अरे मरता है मेरे ऊपर, कहता है जान ताले तोड़ के ले आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। करता क्या है? प्यार करता है मुझसे। काम ओ क्या, बस करता है कुछ। क्या करता है बताओ ना जरा। मोबाइल की दुकान है और ये मोबाइल भी उसी ने गिफ्ट किया मुझे। बड़े खुश लग रहे हो। खुश तो वाकई बहुत हूँ। फरहाद के घर गई बहुत अच्छा, और इससे भी ज्यादा अच्छी उसकी फैमिली है। मैं रूम में जाकर तो माना और बातें बताऊंगी। अच्छा ठीक है। सलामुअलैकुम दादी। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ महीर, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। है अभी दिलो दिल में मोना तुम्हें याद कर रही थी। लगता है मेरा पुत्र शॉपिंग कर कर आ रहा है। जी दादी, अरे इतना बड़ा शहर है, इतनी मेरी जान पहचान है, अब ये शॉपिंग करना, ब्रांड्स एंड ऑल, ये सब तो करना पड़ता है ना फिर दादी। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप? देखिए कितना बड़ा ब्रांड कॉन्शियस इंसान हूँ मैं, इतने सारे पैसे खर्च किए मैंने, अपनी राय का इजहार करके इस मेरे मुंह का सत्यानाश नहीं करेंगी आज। मैं लोगों के मामलात में ना दखल नहीं दिया करती। ओहो, ओहो, बच्चे सुना आप लोगों ने? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली तो आ गई है। अम्मा जी देख लिया दिन, अब अगर मैंने कुछ कह दिया ना तो सारी रात गरम तवे पे एक टांग से नाचेंगे। ओहो, तुसी दोवे रल मिल के सुला सफाई के साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? जब देखो किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे तुम लोग बहस करते रहते हो। मैं कहाँ बहस करती हूँ? सच्ची बात तो ये, कैसे मगरूर और नकचड़े इंसान से ना बात करने का दिल नहीं चाहता मेरा। ये तो यही है जो मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करते रहते हैं। पुत्र, निक्की जी कुड़ी है, इसकी बातों को तू दिल पे क्यों लेता है? बिला वजह तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप मेरी दादी हैं या इसकी। जब देखो हर वक्त इसी की साइड लेती रहती हैं आप। पुत्र रहन दे तू। अम्मा जी वैसे रानिया को इस तरह से नहीं बात करनी चाहिए थी हमारे महीर के बारे में। माहौल कर दिए कुड़ी, तो ऐसे ही सीरियस ले लेता हर बात को। कोई माहौल नहीं लग रहा था मुझे। छोड़ दे इनको।